नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। दूषित पानी पीने को मजबूर, ग्रामीण जनप्रतिनिधि मौन। ग्राम पंचायत धनसुआ में नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन जगह जगह से टूट चुकी है। वहीं देखा भी जाता है कि ग्रामीणों के द्वारा नालियों में अपने पालतू जानवर बांधे जाते हैं, जिससे वह पाइपलाइन और क्षतिग्रस्त हो गई है। उसी पाइपलाइन में बाहर का गंदा पानी उस पाइपलाइन के जरिए लोगों के घर तक पहुंचता है और वह दूषित पानी पीने को मजबूर होते हैं। इसके बावजूद पंचायत स्तर पर सरपंच प्रमोद बोरकर एवं सचिव चंद्रशेखर लिल्हारे के द्वारा सुधार कार्य नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 3-4 महीने से यह समस्या बनी हुई है और सरपंच प्रमोद बोरकर एवं सचिव चंद्रशेखर लिल्हारे को अनेकों बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखो ये इधर से भी पूरे पूरे वो तो दिखे रहा है, ठीक रहा ना पानी। ये पानी जैसे इतने नल बंद करे तो रिटर्न वापस वहीं घुस जाए।